घूमने का मौका मिले। बनाता हूँ लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ वापस मैं आ गया हूँ जहाँ पे हमारे फेवरेट एजुकेटर्स को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा करीब से। और आज मेरे साथ हैं साकिब सर। कैसे हैं आतिक जी? सर आप कैसे? एकदम बढ़िया। साकिब सर के साथ मेरी बहुत बातचीत होती है लेकिन मुलाकात पहली बार हो रही है, तो सर मेरे को तो बड़ा एक्साइटमेंट आपसे बात करने का। बिल्कुल बिल्कुल सेम है। तो बराबर। तो सर सबसे पहले तो मुझे ऐसा जानना है कि साकिब सर को एज एजुकेटर तो हर कोई जानता है लेकिन पर्सनली मुझे भी जानने का इंटरेस्ट है, जो बच्चे हैं उनको भी जानने का इंटरेस्ट है, थोड़ा साकिब सर के बारे में मुझे बता दीजिए। बच्चों को नहीं पता मुझे तो पता ही है। चलो व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं आपके, कैसे व्यक्तित्व है आपका, क्या पसंद है क्या नाम है? क्या पसंद है क्या नाम? मेरे को दुनिया घूमने का, चीजों को एक्सप्लोर करने का, लोगों को समझने का काफी शौक है। लोगों को समझने का? हाँ, लोग मतलब एक तरह से मतलब मेरा प्रोफेशन जो आप देख रही हैं, जो प्रोफेशन है, इसका वन ऑफ द रीजन यही है कि मैं बच्चों की कमियों को समझ पाता हूँ, उनकी दिक्कतों को समझ पाता हूँ और उसके हिसाब से मैं अपने आप को अडाप्ट कर पाता हूँ। तो मेरी क्लासरूम की एक थोड़ी सी मतलब मेरी अच्छी पार्ट हो जाती है जो बच्चों को पसंद नहीं आती। तो मतलब यूजुअली लोग कहते हैं कि भाई तुम्हें टीचर के थोड़ी अडेप्ट होना पड़ेगा, वो स्ट्रिक्ट होंगे, वो ऐसे होंगे, तो तुम्हें थोड़ा समझना पड़ेगा, बट आप ऐसा एजुकेटर ऐसा बोल रहे हैं। देखो उन्हें तो मेरे तरफ से अडाप्ट करना पड़ेगा क्योंकि क्लास में डिसिप्लिन चाहिए, आपको एक लिमिटेड टाइम में कोर्स खत्म करना है। लेकिन मेरे साथ जो अडाप्ट नहीं कर पा रहे, अडाप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो अडाप्ट नहीं कर पा रहे, उसे कुछ सर्टेन सेट ऑफ दिक्कतें होती है, मे बी लैंग्वेज प्रॉब्लम, मे बी वो कहीं खोया हुआ है, कुछ उसके साथ दिक्कतें हैं, वो कहीं तो डिस्ट्रैक्टेड है, तो वो चीज़ मैं फिगर आउट करने की कोशिश करता हूँ। मैं बच्चों से पर्सनली भी काफ़ी बात करता हूँ और इनफैक्ट मतलब आप नहीं यकीन करेंगे, मतलब काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे कि पेंटिंग बहुत फाड़ करते हैं, डिज़ाइनिंग वगैरह बहुत फाड़ करते हैं, तो उनको मैंने काफ़ी आइडियाज़ भी दिए, काफ़ी चीज़ों का सजेशन भी दिया कि वो अपने और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करें। जैसे यहाँ पर पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा, वो क्या कर रहे हैं क्लास में पीछे बैठे, किसी को नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, आपको लग रहा है वो लिख रहे हैं, बट वो अमेजिंग अमेजिंग ड्राइंग्स बना रहे हैं। तो मैंने बोला 12वीं तक कर लो, ये चीज़ भी एक्सप्लोर करो, क्योंकि करियर सिर्फ यहाँ पर नहीं, करियर आगे भी। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब मनी ओरिएंटेड हो तो फिर वो करियर थोड़ा सा पीछे, लेकिन शौक है आपका तो बिल्कुल एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मैं बच्चों को समझने की काफ़ी कोशिश करता हूँ। मे भी जैसे कुछ बच्चे इन जनरल, मैं जैसे नीट पढ़ा रहा हूँ, तो नीट में कुछ बच्चों को मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो कहीं पर भी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन देख लेते हैं तो वो डर जाते हैं। तो उनका डर खत्म करना हो आप पब्लिकली क्लास में करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो पर्सनल पैम्परिंग जब करते हो तो वो चीज़ें निखर के सामने आ जाती है। इनफैक्ट मतलब लोगों को समझने का मेरा इतना ज़बरदस्त शौक है, मैंने बिहार के मतलब गांव में भी मतलब मैं घूम चुका हूँ। मतलब वहाँ के लोकल लैंग्वेजेस, लोकल खाना, वहाँ क्या गाने सुनते हैं, ये सारी चीजें, क्या हुआ? ऑलमोस्ट मैंने पूरा यूपी घूम रखा है। और उसका ध्येय क्या था, खाली ऐसे घूमना और समझना? उस टाइम मेरे कुछ प्रोजेक्ट चल रहे थे, मतलब कॉलेज से पास होने के बाद मैंने कॉर्पोरेट जॉब किया था, मैंने जॉब ही इस टाइप का सिलेक्ट किया था कि मेरे को घूमते घूमने का मौका मिले, मेरे को लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिले, उन्हें समझने का मौका, और मतलब काफी अच्छा काम किया था। तो अगर मैं बात करूं कि किस तरह का आपका बचपन रहा, किस तरह के आप स्टूडेंट थे, तो वो क्या रहेगा? मैं से बहुत साधारण परिवार से मतलब बड़ा हुआ हूँ। एक्चुअली मेरे को लिटरली मेरे को ये चीज नहीं पता थी कि आईआईटी क्या होता है टिल आई वाज इन क्लास 10। दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक कोइंसिडेंस। काफी में जो एजुकेटर मैं पटना से मैं बात कर रहा हूं, लगभग का यही आंसर है कि उनको 11वीं 12वीं तक नहीं आईडिया था। नहीं एक्चुअली मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ ना, वहाँ पे लोग बहुत ज्यादा आगे पढ़ाने का सोचते भी नहीं, बट मेरी माँ ने काफी ज्यादा प्रेशराइज किया कि नहीं मैं बच्चों को तो पढ़ाऊंगी ही पढ़ाऊंगी कुछ भी हो जाए। बीइंग अ फीमेल टेकिंग दैट डिसीजन, इट्स अ बिग थिंग। मतलब मेरी पूरी फैमिली में मेरे जो सबसे ज्यादा एडुकेटेड है वो मेरी बड़ी बहन, पूरी फैमिली में मतलब मैं किसी से भी ले लूं कंपेयर कर लूं, सबसे ज्यादा एडुकेटेड मेरी बड़ी बहन है। सो काइंड ऑफ मेरा इंस्पिरेशन भी वही था, जब मैं 10th में था तो वो 12th में थी और उससे आईआईटी क्लियर नहीं हुआ, मैं तो उससे क्लियर नहीं हुआ, ऐसा कौन सा टेस्ट है?
तो काइंड ऑफ उसके बाद ही मतलब लगा कि नहीं अभी करके देखते, उससे नहीं मतलब कोशिश करके देखने में क्या जा रहा है। तो उसी ने मेरे को गाइड किया, जहां वो पढ़ते थे वही मैं भी पढ़ा, एग्जैक्टली सब कुछ सेम सिचुएशन में रहा, इनफैक्ट असाइनमेंट्स भी हम दोनों साथ में कई सारे सॉल्व करते थे। तो उसने मेरा बेस बहुत जबरदस्त डेवलप कर दिया। वो खुद IIT रुड़की गई, अभी टेक्सास में है, तो वो चिल्मा रही है और मैं यहाँ पर हूँ आपके सामने। तो पॉइंट ये मेरा है, ऐसा मत बोलो कि वो चीज मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, तो मतलब ये मैं क्या समझूं इसके बारे में। नहीं नहीं मतलब नहीं मतलब मैं पटना में लोगों को मतलब बहुत अंदर जाके एक्सप्लोर कर रहा हूं और वो थोड़ा चिल लाइफ जी रही है। तो मैं तो सीधे ये चीज बोलता हूँ कि मतलब मेरे टीचर्स ने बहुत अच्छा पढ़ाया, मेरे स्कूल ने मेरे को बहुत अच्छा गाइडेंस दिया, लेकिन अगर वो मेरे लाइफ में नहीं होती उस स्टेज पर जो तैयारी कर रही होती, तो शायद मैं मतलब तो आपकी फेवरेट एजुकेटर वही हो, एजुकेटर मतलब वो तो फिर साथ पढ़ने वाले हो गए ना। तो बचपन कैसा रहा, कैसा था, किस प्रकार का था? बचपन बहुत बहुत शैतान बच्चा था, मतलब मेरा हर वीक में पेरेंट्स कॉल होता था कि आपका बच्चा परेशान कर रहा है, आपके बच्चे ने ये कर दिया, आपके बच्चे ने ये कर दिया, पापा लोग एकदम परेशान रहते थे। तो ये एकदम बचपन की कहानी है, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ 5-6 क्लास में गया, वैसे वैसे मतलब कुछ चीज़ों में मैं पार्टिसिपेट करने लगा, तो मतलब मैं काफ़ी अच्छा, जिस भी चीज़ में मैंने पार्टिसिपेट किया है काफ़ी अच्छा किया है। तो स्कूल लेवल ये एलोक्यूशन होते थे, डिबेट्स होते थे, उसमें जाता था, जीत जाता था। मतलब मेरे को एक टाइम पे बहुत, मेरे पुराने टीचर्स को पता होगा, मेरे को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला है एक टाइम पे, रांगा CR बना था मैं। फिर मैं टेबल टेनिस काफी अच्छा खेलता था, मैं पटना डिस्ट्रिक्ट का रनर अप भी रहा हूँ, एक टाइम पे चैंपियन भी रहा हूँ। और फिर मतलब बचपन लगभग यही खेलकूद में बीता है, लेकिन 9th क्लास में मैंने ऐसा कर लिया, और मैं बच्चों को सजेस्ट भी ये करता हूँ, 9th क्लास जैसे ही खत्म हुआ मैं 10th में आया, आई जस्ट ड्रॉप्ड एवरीथिंग। ओके, मतलब वो ऐसा नहीं घर वालों ने प्रेशर किया ये कर, नहीं, मेरे को पता था कि मेरी बहन कुछ सीरियस काम कर रही है, मेरे को भी करना ही पड़ेगा, वरना लाइफ वैसे ही बीतेगी जैसे आसपास सोसाइटी में लोगों की बीत रही है। तो मेरे को करना ही था, तो मैंने खुद ये डिसीजन लिया। मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मेंबर भी था, मतलब मेरे को स्कॉलरशिप भी मिलती थी। मैंने वो चीज ड्रॉप करी, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, अब मेरे को अपनी करियर बनाना है। तो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एक टाइम पे ये चीज सोचना पड़ेगा कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका करियर है या वो चीजें जो आप कर रहे हो करेंटली, मतलब मे बी खेलना, मे बी आप कुछ भी कर रहे हो, उस चीज को अभी थोड़ा सा रोकिए, क्योंकि ये 2 साल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके करियर बनाने के लिए। अगर आप यहाँ पर अपने आप को बहुत अच्छा कर लेते हो तो फिर आप निकल जाओगे लाइफ में, आपके स्ट्रगल जिंदगी भर रहेंगे, लेकिन जो लेवल ऑफ स्ट्रगल होगा आपका वो डिफरेंट हो जाएगा, वरना न्यूज में तो आप स्ट्रगल रोज होते हुए देख रहे हो क्या चल रहा है देश में। बट दिस इज वेरी रियल साकिब सर, कि इतना यंग एज में इतनी मैच्योरिटी होना और एज झटके में आज भी लोगों को अगर बोलोगे ये आदत छोड़ दे, भाई तुझे रोज चाय पीने की आदत है तो छोड़ दे, वो भी लोगों से नहीं छूटी। और आप 13-14 साल की उम्र, 15 साल की उम्र में आपने मतलब विदाउट एनीथिंग लाइक एक्सटर्नल प्रेशर, तो दैट इज समथिंग मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है सुन के। मम्मी लोगों को लगता था कि यार ये कर ले किसी तरह कर ले कि लाइफ बन जाए, मतलब वरना फिर दिक्कतें आएंगी। तो उसके बाद वो पढ़ाई वगैरह सब कहाँ से हुई? हाँ पटना से, मतलब हम लोग बहुत ज्यादा किधर उधर का अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। इनफैक्ट मतलब जब मेरी बहन पढ़ रही थी तो ये भी नहीं पता था कि IIT क्या होता है, IIT का लिए कोचिंग कहाँ कराना है। तो एक रैंडम पर्सन आए, उन्होंने बोला एक सुपर 30 करके चीज चलती है, उसके अलावा हमें लिटरली कुछ नहीं पता था। तो वहां जाके दीदी का एडमिशन हो गया, बट वहां से वो IIT नहीं क्वालिफाई कर पाई। तो उसके बाद पापा ने एक्सप्लोर किया कि भैया ये मार्केट क्या है, और उस मार्केट को एक्सप्लोर करने के बाद फिर मेरा भी एडमिशन हुआ, उसका भी एडमिशन हुआ। वाओ, फैसिनेटिंग सर, मतलब ये तो अलग लेवल की घटना है।
आपसे शौक या पर्सनल लाइफ में आपको क्या ऐसा करना चाहिए कि भाई इतना टीचिंग कर लिया, पढ़ लिया, उसके बाद फिर क्या करना है, क्या करना पसंद है? मैं टेबल टेनिस तो लिटरली छोड़ गया, मैं स्विमिंग करने की कोशिश करता हूँ, मतलब मैं डेली जाने की कोशिश करता हूँ, बट अभी वर्कलोड थोड़ा सा है कि मैं नहीं जा पाया, बट इसे मैं मैनेज करूंगा, इसे मैं लाइफस्टाइल में लाऊंगा, क्योंकि स्विमिंग आई बिलीव इज इम्पोर्टेंट। और आपको कोई बात बताओ, आप जो बोल रहे थे आप शरारत में जाते, थोड़ी खुराफात आपकी शक्ल से लगता है, बोलो ऐसा लगता है कि ही सब तो समझे, और कई बार ऐसा लगता है कि अगर कोई प्रैंकस्टर यहाँ पर रहेगा तो आप रहोगे। आई डोंट नो इफ यू आर इनटू इट, मुझे आपको देख के ऐसा लगा, मुझे पता नहीं कि आप प्रैंक वगैरह करते हो कि नहीं, और आप बताओ मैं सही हूँ कि गलत हूँ, मतलब दैट डिपेंड्स। सो ऐसा कोई बच्चे बच्चे के साथ मस्ती मजाक करते हो कि साकिब सर से डरते हैं बच्चे, कैसा होता है? नहीं डरते तो नहीं है, काफी फ्रैंक है बच्चे, बच्चे अगर खुद से बात करते हैं ऐसा। तो आपको क्यों लगता है why you are their favorite educator, why do they love you according to you? Because of my availability, मैं उनके किसी भी प्रॉब्लम के लिए, मैं ये नहीं बोलता मेरे से केमिस्ट्री ही पूछो, लाइफ में अगर आप डिप्रेस हो वो भी आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन दे दूंगा या कोई एक रास्ता बता दूंगा जहाँ आपको सोल्यूशन मिल जाए। जितने भी एडुकेटर्स है हर कोई ये सर्विस दे रहे हैं, अनअकैडमी ने मतलब एडुकेटर्स को चुना ही कुछ इस तरह से है कि मतलब दे लाइक पीपल्स एडुकेटर, कोई भी आएगा वो उससे घुल मिलकर उसको इम्प्रूव करा सकते हैं। और लोग बोलते हैं कि सर नहीं भैया होंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, मतलब वो फादर फिगर से ज्यादा ब्रदर फिगर भी रहेगा तो हमको ज्यादा ऐसा लगता है। हां एज इन कोई इस चीज में इशू नहीं है, बट एक गुरु और एक शिष्य का जो एक डिफरेंस होता है ना, दैट हैज टू बी मेंटेन्ड, बिकॉज़ इतना ज्यादा फ्रैंक ना हो जाए कि हां वो जो जो बीच लाइन है, हां लाइन में मिट जाए या धुंधली हो जाए, ये भी बिल्कुल सही है। सर अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि पटना में आप कितने सालों से रह रहे हो, आपको बता भी दिया क्या क्या का शौक है, तो मैं बाइक लेके इधर उधर निकल जाता हूँ, जैसे यहाँ से 20-22 किलोमीटर पर एक शॉप है, मतलब वहाँ मतलब मैंने पूरे रीजन में जितना भी जहाँ कहीं भी रसमलाई कही है वहाँ की बेस्ट रसमलाई। अच्छा फिर यहाँ से दूसरे रूट में ही 25-30 किलोमीटर पे एक दुकान है जहाँ चाय और लिट्टी चोखा, क्या शानदार किला है, तो मैं एक्सप्लोर करता हूँ। सब घूमता खाना दो सिर्फ टू बी योर फोर्ट है बनाते भी हो कि खाली खाने का शौक है? बनाता हूँ लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि दूसरा बना के चला रहे। सर जाते जाते इस कैमरा में बच्चों को कुछ मैसेज देना चाहूँ तो? बच्चों को मैं जो मैसेज देना चाहूंगा वो यही है कि दिस इज योर क्रूशियल टाइम, आपको बहुत ज्यादा फोकस रह के, जैसे आपने मतलब महाभारत की कहानी पढ़ी होगी कि कृष्ण ये अर्जुन ने क्या देखा था, अर्जुन ने देखा था चिड़िया की आंख, आपको उसी तरह से आपके करियर को सोचना है कि चिड़िया की आंख ही आपको देखनी है, उसके अलावा अगर आप कुछ देख रहे हैं तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, आप अपने करियर के साथ खेल सकते हो। इस चीज से बचो, आप एक टारगेट बनाओ, एक गोल बनाओ कि आपको लाइफ में क्या करना है और उसके प्रति लग जाओ, रोज के टारगेट्स बनाओ कि आपको आज के दिन ये सारे चैप्टर्स ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है, सो दैट यू इंप्रूव एवरी डे, और हर दिन जो आप इंप्रूव करो तो अपने आप को अप्रिशिएट भी करो दैट यू डिड हार्ड यू डिड गुड, और आप पिछले दिन में जो उस लेवल पे थे उससे एक दिन आप लेवल इंप्रूव किए, और अगर आप ये काम नहीं करते हो आप इंप्रूव नहीं करते हो तो अपने आप को कोसो भी कि आपने जो टारगेट खुद को दिया था जो काम खुद के लिए सौंपा था वो क्यों नहीं किया, और आपने नहीं किया टाइम लिमिटेड है तो आप अपने टारगेट से डेविएट कर लो, टारगेट इज इम्पॉर्टेंट, योर टाइम इज इम्पॉर्टेंट, एवरी सेकेंड मैटर्स, एवरी मिनट मैटर्स, एवरी डे मैटर, एवरी वीक मैटर, एवरीथिंग मैटर्स। तो इसी के साथ सर ये भी मैटर करता है कि आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो इस चैनल को, क्योंकि सर यहाँ पे मिलेंगे और मिलते रहेंगे, पटना चैनल पे मिलेंगे और पटना सेंटर भी मिलेंगे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, ऑलवेज ऑलवेज। सो हम जाते जाते क्या बोलेंगे बच्चों को, लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक इट।